हनुमानगढ़ जंक्शन में पेंशनर समाज की आज हुई है बैठक। विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो समस्याएं आती हैं उस पर खुलकर की गई है चर्चा। चलिए सुनते हैं पेंशन समाज के अध्यक्ष का इस मौके पर क्या कहना है। आज जो है जो पेंशनर हैं उनको 11वें महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। उसके लिए हमने सब लोगों को कहा हुआ था कि भाई जो भी है 11 से मतलब चालू हो जाएगा, तो जैसे पेंशनर आ रहे हैं उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये फॉर्म जो है ना ऑफलाइन भरे जा रहे हैं। जो ऑनलाइन भरना जानते हैं उनको हमने पहले कहा हुआ कि ऑनलाइन आकर भर सकते हो, तो ऑनलाइन भी एडमिट होते हैं। अब ये ऑफलाइन भरे जा रहे हैं तो जहाँ भर के हमारे ही अब जो रिटायर्ड अधिकारी है उस द्वारा अटेस्ट किए जा रहे हैं, अटेस्ट करके हम ट्रेजरी ऑफिसर को दे देंगे, लिस्ट बना करके दे रहे हैं जिससे उनके फॉर्म सुरक्षित ट्रेजरी में पहुंच जाएं। ट्रेजरी वाले इसको रेगुलरली अपडेट कर देंगे ताकि जो है ना वो जयपुर डायरेक्टरेट में फॉर्म पहुंच जाएं और उनकी पेंशन में कभी कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो। हम जो पेंशनर हैं उनको हम कहते हैं कि भाई आपकी कोई भी समस्या है आप जो है पेंशन हॉल में आइए। हम हर सोमवार और हर वीरवार सुबह 10 से 1 बजे तक बैठते हैं और वैसे हमारे जो कैशियर हैं वो तकरीबन 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक डेली बैठते हैं। तो किसी किस्म की भी कुछ समस्या हो वो पेंशनर हमारे पास आ सकते हैं, उनकी समस्या का निदान करते हैं। जो नॉलेज उनको नहीं है जो हमारे पास उपलब्ध है हम उसको लेते हैं। अगर वो जहाँ किसी अधिकारी ने उनको कोई न्याय नहीं दिया तो हम उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं और उसको अल्टीमेटली न्याय दिलवा कर यही दम देते हैं। हम तो समझाते भी हैं, मतलब जो विजन फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स है अगर उसको कोई गलतफहमी है, पेंशनर को कोई गलतफहमी है या विभाग को कोई गलतफहमी है उसको हम आपस में मिलकर रेक्टिफाई भी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अभी पॉसिबिलिटीज क्या है उसको सही करते हैं। अगर पेंशनर गलत हो तो उसको समझाते हैं, अगर विभाग गलत हो तो उसको समझाते भी हैं और प्रेशर भी डालते हैं ताकि जो ना इस तरीके की कुछ समस्या आइंदा किसी पेंशनर के साथ नहीं आए। चर्चा तो हम पेंशनर्स को कहते हैं भाई ना तो आप जो नशा कीजिए, नशा जो है ना ये सारे देश को ख़राब कर रहा है और ये सब लोगों को पता है। इतने समझदार होने के बाद भी पेंशनर अगर कोई नशा करता है तो वो हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम उसको नहीं समझा पाए जो आज वो इस स्टेज में पहुँचा। आज भी उसको समझाएंगे कि वो इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करे। नशे का तो हम टोटली विरोध करते हैं और इसके साथ अगर वो कहीं मतलब उलझा हुआ है तो फिर हम उसको कहते हैं भी आप जो ना आदमी बन जाओ, नहीं तो फिर जो ना कोई सरकार कार्रवाई करेगी तो हम कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। और एक निवेदन खास कर करते हैं पेंशनर्स के कि जो सरकार ने दवाइयों के लिए हमें छूट दी हुई है उसका सही उपयोग करें, गलत उपयोग नहीं करें। गलत उपयोग करने से कोई बेचारा क्रॉनिक पेशेंट है जो पेंशनर जिसको लाखों रुपए की जरूरत है, आप उसका गलत उपयोग करोगे तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, सरकार उसके का बिलों को भी ध्यान मतलब ना जाँच करेगी, अननेसेसरी तंग करेगी। इसलिए जो है उसके लिए आप परहेज करें, पेंशनर्स के साथ सहयोग करें, हम आपकी सेवा के लिए सदा तैयार हैं, ये हमारा संकल्प है। आर एल कक्कड़, जिला अध्यक्ष पेंशनर समाज, कलेक्ट्रेट परिसर, हनुमानगढ़ जिला।